शुरू से लेकर आखिर तक, यानी पहले नबी से लेकर जनाब आदम से लेकर आखिरी नबी तक, सारे 124,000 पैगंबरों का काम था ला इलाहा इल्लल्लाह को आगे बढ़ाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मेन उनका मकसद रहा है। और आखिरी नबी के बाद ये जिम्मेदारी इमामत पे आ गई, और इमामत पे सारे इमाम ने जो तकलीफें उठाई वो सब कुछ मेन एम, फर्स्ट एम ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। तो एक बन है, पुराना एक बन है कि अगर आप लोग मुझे सब साथ में मिलके सपोर्ट करेंगे तो सवाब भी मिलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने का, पढ़ने का, और यानी माहौल भी बनेगा। तो इस तरीके से है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। परचम नुसरत मिट न सका, दीन मोहम्मद मिट न सका, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। परचम नुसरत मिट न सका, दीन मोहम्मद मिट न सका, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, देकर औन मोहम्मद प्यारे, देकर औन मोहम्मद प्यारे, अकबर व असगर दिल के सहारे। सब कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शाम गरीबा का मंजर है और जनाब ज़ैनब सब बच्चों को जमा कर रही है, और पता चलता है कि बीवी सकीना नहीं मिल रही है, तो उसको ढूंढने के लिए मक्तल की तरफ जाती है। और मक्तल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुबह से शाम तक लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें, और उस तरफ जाके क्या देखती है, देखती है कि सकीना पुकारी चली जा रही है, सकीना पुकारी चली जा रही है। अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरों में लाशों से टकरा रही है, मेरे बाबा बाबा फकत रो रही है। और ये सब कुछ काहे के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। परचम नुसरत मिट न सका, दीन मोहम्मद मिट न सका, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
देकर आओ मोहम्मद प्यारे अकबर असगर दिल के सहारे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बल मोहम्मद व मोहम्मद सलमान हसमन अल्लाह नेमल वकील नेमल मौला नेमल नसीर तबारक अल्लाह आसन अल खालिकीन वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله العظم في الأرض أجمعين الهجة الثانية عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد عزیزان گرامی قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے یعنی کلام الہی کلام پروردگار اور کلام خدا کے اوپر کسی کا کوئی کلام نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید کی ہر آیت ہر سورہ اس کا ایک ایک حرف حکمت ہے قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے صرف رٹنے کی کتاب نہیں ہے حفظ کر کے صرف حافظ قرآن بننے کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن جو ہے افلا یتدبرون خود قرآن کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جو صرف پڑھو مت افلا یتدبرون یہ غور و فکر کرنے کی کتاب ہے آپ توجہ دیں قرآن جو ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند یا سب کو نفع پہنچانے والی کتاب نہیں ہے یہ قرآن ہی سے میں بات کر رہا ہوں خود قرآن نے اعلان کر دیا وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ہم نے اس قرآن کو اور اس قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے وہ صاحبان ایمان کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی یعنی قرآن رحمت ہے قرآن شفا ہے مگر ان کے لیے جن کے پاس ایمان کی دولت ہے
यानी जिनके पास ईमान है, साहिब ईमान है, मोमिन है, कुरान उनके लिए रहमत भी है और शिफा भी है। तो अगर मोमिन के लिए कुरान रहमत और शिफा है तो जो ईमान की आखिरी मंजिल पर है, जो कुल्ले ईमान है, तो यही कहूँगा कि जो कुल्ले ईमान और ईमान की आखिरी मंजिल पर है वो खुद ही बोलता हुआ कुरान है। तो अगर खामोश कुरान अहले ईमान के लिए रहमत और शिफा हो सकता है तो जो बोलता हुआ कुरान है वो चाहे तो सूखे दरख्त को देख ले तो हरा हो जाए, बीमार को देख ले तो सेहतमंद हो जाए, और चाहे तो अली जैसा इंसान मुर्दे को जिंदा कर दे और बता दे कि अली की जात वो है कि परवरदिगार ने जिसके हाथ में रहमत भी रखी है और शिफा भी रखी है। तो अजीजान ग्रामी, ये कुरान रहमत और शिफा उनके लिए है जो साहिबान ईमान है। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ الگ بات ہے کہ قرآن زندگی میں شفا ہے اور مرنے کے بعد رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، آگے کا حصہ کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم ہے، بے دین ہے، لا مذہب ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، یوں کہہ دوں کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، ان کے لیے یہ قرآن نہ رحمت ہے نہ شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ان کے لیے خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اگر محبت اہل بیت ہے تو ایک بسم اللہ بھی رحمت اور شفا ہے، اور اگر اہل بیت معلم اور بولتے ہوئے قرآن سے دور ہے تو پورا قرآن بھی گھول کے پی جائے تو سوا خسارے کی کچھ نہیں ہے۔ میں کہیں آپ کو لے جا رہا ہوں، سحر کا وقت ہے، تاریخ نے لکھا سحر کا وقت، صبح سے پہلے سحر کا وقت سب سے عظیم وقت ہے اہل ایمان کے لیے، سحر کا وقت۔ مولا امیر المومنین قمبر کے ساتھ چلے ہیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، ایک قاری قرآن جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وقت سحر، خاموشی کا وقت، سناٹا۔ قمبر نے کہا مولا دیکھئے وہ کیا اچھے لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، کتنی خوبصورت آواز ہے، میرا مجمع توجہ دے، ساری گفتگو ذہن میں رکھیں۔ قمبر نے کہا مولا وہ جو قاری قرآن پڑھ رہا ہے اس سحر کے وقت، اس سناٹے میں، اس خاموشی میں، سب سو رہے ہیں اور وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، علی چلے ہیں قمبر کو ساتھ لیے ہوئے، علی مسکرائے کہ قمبر وہ کتنی بھی تلاوت کر لیں ایک آیت بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے دل میں میری ولایت نہیں ہے۔ میرا مجمع سمجھے، اب بات سمجھ میں آئی جب میں نے بزرگوں سے پوچھا اور کتابوں کی اسٹڈی کی کہ قرآن انہی کے لیے رحمت اور شفا ہے جن کے خون میں محبت اہل بیت ہے، ورنہ جملہ روایت کا اور امام کا فقرہ ہے کہ یہی قرآن قرآن پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے جب ان کے پاس محبت نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، جب محبت نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور محبت اہل بیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے۔ ایک طالب علم ہے جو بغیر استاد کے کتاب پڑھ رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کتاب تو اپنی جگہ رہے گی، یہ ہلاک ہو جائے گا، اور دوسرا اسٹوڈنٹ وہ ہے جو ٹیچر، معلم اور استاد کی رہنمائی میں کتاب پڑھے۔ تو اگر دنیاوی لکھی ہوئی کتابیں بغیر استاد اور ٹیچر کے ہدایت نہیں دے سکتی، تو خالق کا لکھا ہوا کلام قرآن مجید بغیر معلم کے آپ کو نجات کیسے دے سکتا ہے؟ اور آدم سے قیامت تک قرآن کے معلم صرف اہل بیت ہیں، ورنہ نبی یہ نہ کہتے انی تارکن فیکم السخلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو برابر ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب خاموش ہے، یہ تب ہی تو سمجھ میں آئے گی جب معلم بتائے گا، اس لیے کہ کتاب میں اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، رکعتیں کتنی ہیں یہ کتاب میں نہیں ہے، رکعتیں وہ بتائے گا جو قرآن کا معلم ہے۔ تو الحمدللہ ہم رکعتیں ویسے ہی انجام دیتے ہیں جیسے معلم نے بتایا ہے۔ یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ صرف عبادت نہیں ہے، روح ہے، عبادت ہے۔
और याद रखिए एक बात मैं कह रहा हूँ जो गलत नहीं है, जो भी बातें मुताले स्टडी होमवर्क की रोशनी में जितनी किताबें हैं सब हौज़े इल्मी अकुम की हैं, नजफ़ की हैं, फारसी में हैं, मोतबर हैं। नमाज रोज़ा सिखाना पड़ता है एक बच्चे को, लेकिन आज तक हमने किसी बच्चे को मातम करना सिखाया नहीं। आपने कभी कहा कि बेटा मातम ऐसे करते हैं, मातम करो? ये खुद ब खुद बच्चे हाथ उठाते हैं मातम करते हैं। क्यों? इसलिए कि बचपन से देखा गया नमाज रोज़ा खुम्स व ज़कात दीनियात मदरसे में तालीम दी गई, पढ़ाया गया, सिखाया गया। लेकिन आज़ादारी, मातम, मजलिस, काला लिबास पहनना, जुलूस में आना, इसको किसी मदरसे में सिखाया नहीं गया, बल्कि माँ ने अपने दूध में पिलाया है, बाप ने अपने खून में मुंतकिल किया है। और ये खून और दूध की तासीर है कि खुद ब खुद इंसान इस चीज़ को लेके आगे बढ़ता है। अब फिर ये एक ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है जिसमें किसी ऐसे वैसे की नहीं, सिद्दीक़े ताहरा की दुआ शामिल हो, मासूम आलमीन की दुआ शामिल है कि जब वाक़े करबला सामने रखा गया और मासूम आलमीन को वो फ़िक्रा जो आपने ज़ाकिरीन और उलमा से सुना है, बाबा जब कोई नहीं होगा तो मेरे हुसैन पर रोने वाला कौन होगा, कौन है जो मेरे हुसैन पर मातम करेगा? मासूम आलमीन सिद्दीक़े ताहरा सैयदत निसाइल आलमीन सैयदत निसाइल जन्ना। हदीस रसूल है ग़ज़बल्लाहु मिन ग़ज़बिल फ़ातिमा, अल्लाह उस वक्त ग़ज़बनाक होता है जब फ़ातिमा किसी पर ग़ज़बनाक होती है। वो कितना बड़ा मलून होगा तारीख़ में जिसे फ़ातिमा सलाम का जवाब न दे, वो कितना बड़ा मलून होगा, कितना बड़ा खबीज होगा जिसके लिए फ़ातिमा ये वसीयत करे कि ऐसे लोग मेरे जनाजे में ना आए। आप समझ रहे हैं? और मासूम आलमीन का ये पूछना कि बाबा वाक़े करबला होगा, मेरा हुसैन शहीद होगा, मैं सिर्फ इशारों में जुमला दे रहा हूँ, कौन होगा जो मेरे हुसैन पर रोएगा? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया फ़ातिमा मेरी उम्मत के लोग, मेरे कलमा पढ़ने वाले, मेरी उम्मत के मर्द तुम्हारे मर्दों पर रोएंगे, हमारे मर्दों पर रोएंगे, इस उम्मत की औरतें हमारी औरतों पर रोएंगी, बुज़ुर्ग बुज़ुर्गों पर रोएंगे, बच्चे बच्चों पर रहेंगे। इत्मीनान रखिएगा, आज़ादारी पर कितने भी हमले हों, जो आज़ादारी को रोकता है, रुकवाता है, वो खुद रुक जाता है, आज़ादारी नहीं रुकती। जो मिटाने की कोशिश करता है वो मिट जाता है, आज़ादारी नहीं मिटती। कैसे मिटेगी? जिसकी गारंटी और ज़मानत खुदा ने ली हो, जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने दुआ दी हो, फ़ातिमा ने दुआ दी हो। आज़ादारी सैयद सज्जाद के 35 साल आंसुओं का सैलाब है जो कभी थमेगा नहीं, और 61 हिजरी के बाद से लेकर आज तक ये आज़ादारी वो इबादत है कि अगर इस पर गायराना आप निगाह दौड़ाएं तो 61 हिजरी के बाद से लेकर जब से ये शुरू हुई, मासूम आला सानिया ज़हरा ने खुश शाम में यजीद से घर मांग कर आज़ादारी की शुरुआत की। हालांकि आज़ादारी तो शहादत हुसैन से पहले हुई। आदम रोए, मूसा रोए, ईसा रोए, इब्राहिम ने मातम किया, मलाइका ने मातम किया। ये बड़ी अनोखी चीज़ है कि शहादत के बाद हम रो रहे हैं, अंबिया तो शहादत हुसैन से पहले रोए, हम शहादत के बाद 61 हिजरी के बाद मातम कर रहे हैं, मलाइका ने तो 61 हिजरी के पहले मातम किया है। तो जिसका मातम उसकी शहादत के पहले हुआ हो उसका मातम शहादत के बाद क्या रुके? और इसीलिए अजीजो एक जुमला सुन ले, मैंने आपकी जहमत तमाम की, ये आज़ादारी हुसैन जो है ये 61 हिजरी के बाद से लेकर 255 या 256 हिजरी यानी तकरीबन 200 साल तक मासूम क़यादत में हुई। 255 हिजरी इमाम ज़माना की विलादत, ये 255 या 56 हिजरी तक मासूम क़यादत में आज़ादारी हुई। और ये आज़ादारी का वारिस आज पर्दा गायब में मौजूद है,
और इसीलिए जब मासूम आलमीन से कहा पैगंबर ने बच्चे बच्चों पर रोएंगे, बूढ़े बूढ़ों पर रोएंगे, जवान जवान पर रोएंगे, औरतें औरतों पर रोएंगी। आज़ादारों, इसीलिए करबला में जब हुसैन चले हैं तो हज़ारों आना चाहते थे, इमाम ने सबको रुख्सत कर दिया कि मेरी मंजिल मौत है। इसलिए कि हुसैन वो है कि जिसका बाबा ज़मीन से ज़्यादा आसमानों का इल्म रखने वाला, हमारा हर इमाम दिलों को पढ़ता है, हम उसी को इमाम मानते हैं जो जाहिर से ज़्यादा बातिन का इल्म रखता है, जो इंसानों के दिलों को पढ़ता है। हुसैन जानते थे ये आने वाले किस नीयत से आ रहे हैं। जब दिलों को पढ़ लिया तो कितनों को रुख्सत कर दिया, और जब दिल को पढ़ लिया कि नीयत में खुलूस और साबित कदमी है, आखिरत की दोस्ती है, तो फिर बचपन के दोस्त हबीब को ख़त लिखकर बुला लिया, साबित कदमी है तो हबीब चले आओ। आज़ादारों, हुसैन के साथ हज़ारों आना चाहते थे, मगर हुसैन को ऐसे साथियों की ज़रूरत थी जो साबित कदम रहें, जिनके दिल मौत की तरफ बेचैन हो। और इसीलिए मासूम आलमीन ने जब ये कहा कि कौन रोएंगे, तो हर उम्र का इंसान, औरतें औरतों पर, मर्द मर्दों पर, जवान जवानों पर। और शायद ये भी एक फ़लसफ़ा है, एक राज है कि करबला के शहीदों में एक उम्र का शहीद नहीं है। 18 साल का अली अकबर है, 6 महीने का अली असगर है, 34 साल का अलमदार है, 13 या 14 साल का कासिम है, 57 साल के मौला हुसैन है, तो 80 साल के कई मुस्लिम इब्ने औसजा और हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बूढ़े लोग भी हैं, अरे ईसाई जैसा वहब जैसा ईसाई भी है, मसले के उस्मानी से जोहर कैन भी है, और लश्कर यजीद का हुर भी तो चला आया, ताकि जब ये आज़ादारी खड़ी रहे और इसका परचम बुलंद हो तो किसी उम्र का इंसान मायूस ना होने पाए, किसी मज़हब का इंसान मायूस ना होने पाए। ईसाइयों तुम भी आ जाओ कि वहब का मातम करना है, दूसरे मसलक के लोग तुम भी आ जाओ कि जोहर कैन का मातम करना है, अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो वो भी आ जाए कि हुर का मातम करना है। 80 साल के बूढ़े मायूस ना हो, तुम्हें हबीब और मुस्लिम इब्ने औसजा का मातम करना है। ए नौजवान, 18 साल के नौजवानों, तुम भी मातम करो, तुम्हें अली अकबर का मातम करना है। ए छोटी छोटी बच्चियों, तुम मायूस ना हो, तुम्हें सकीना का मातम करना है। ए 57 साल की उम्र के लोगों, तुम्हें हुसैन का मातम करना है। ए 34 साल वालों, तुम्हें अब्बास का मातम करना है। हाँ हाँ, अगर कोई माँ आ जाए जिसकी आगोश में दूध पीता बच्चा हो, तो उससे कह देना ये बच्चा भी खाली हाथ नहीं जाएगा, कहना तुझे रुबाब के अजहर का मातम करना है। अजरकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बकुम खैरन जज़ा। आपकी आवाज़ बुलंद है, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। आज़ादारों, मंजिल गुजरती गई, वो हुसैन जो 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचे थे, उसी करबला में 9 शब आशूर आई, मुसल्ले आबाद थे, उसी करबला में सुबह आशूर आई, अली अकबर ने आखिरी अजान दी, और वो वक्त भी आया जब हुसैन के साथी और असहाब एक के बाद एक शहीद हो गए, फिर हुसैन के अपनों की बारी आई। और वो वक्त कितना इम्तिहान का वक्त था, जब हुसैन अकेले हैं, तनहा पे तकदीर है, सदा इस्तिगासा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसु युगीसुना। इसी सदा इस्तिगासा पर असगर ने अपने आप को गहवारे से गिराया, हुसैन बच्चे को लेकर मैदान में पहुंचे, और वो बच्चा भी शहीद हुआ। अज़ादारों, अगर सुन सकते हैं तो सुनिए, साहिबाने औलाद का मजमा है। करबला की तारीख बड़ी अजीब व गरीब तारीख है। करबला में सिर्फ प्यास नहीं है, प्यास में प्यास है। करबला में सिर्फ गुर्बत नहीं है, गुर्बत में गुर्बत है। करबला में बेकसी नहीं है, बेकसी में बेकसी है। मसायब नहीं है, मसायब में मसायब है। जुल्म नहीं है करबला में, जुल्म में जुल्म है। लिहाजा करबला में सिर्फ इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान में इम्तिहान है। अरे 57 साल का बूढ़ा इंसान, अरे सुबह आशूर से असरे आशूर तक कितनी लाशों को उठा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अब्बास के लाशे को वहीं पर छोड़ रहा है, तो कहीं अकबर जैसे जवां बेटे का लाशा हुसैन से नहीं उठता।
तो कहीं कासिम जैसे भतीजे का लाशा जिंदगी में पामाल होके रेजा रेजा हो गया, तो कहीं 6 महीने के बच्चे को माँ से ये कहकर ले गए थे कि शायद किसी को इस पर तो रहम आ जाए कि लश्कर यजीद में साहिबा ने औलाद भी तो है। अरे लेकिन जब असगर को लेकर वापस पलटे, अगर उन्होंने मोहम्मद को लाए तो हुसैन आगे पीछे नहीं हुए, अकबर के लाशे को उठाकर मदद ही थे सही खैमे तक लाए होंगे आगे पीछे नहीं हुए, कासिम का पामाल लाशा खैमे तक लाए हुसैन आगे पीछे नहीं बढ़े, लेकिन वाहिद अली असगर का लाशा था हुसैन कभी आगे बढ़े कभी पीछे हटे। आमाले आशूरा में हम तकरार करते हैं, अरे कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे व सबरन लिबलाइहि। इसलिए कि मैं असगर को लेके किस मुंह से जाऊं, अगर रुबाब ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा, अरे सकीना ने सवाल कर लिया तो क्या जवाब दूंगा। इसीलिए जब अबा का दामन हटाया और माँ की निगाह बच्चे पर पड़ गई तो रुबाब ने आसमान की तरफ सर उठाया, परवरदिगार क्या इस उम्र के बच्चे भी जिबा होते हैं। अजरुकम अल्लाह मंजिले गुजरती गई और यहाँ तक के करबला में शाम गरीब आई, जैनब अब्बास बन के खड़ी हुई, अकबर बन के खड़ी हुई, कासिम बनकर खड़ी हो गई। हाँ हाँ मकातिल के गोशों में ये फिक्रे मिलते हैं, जब किसी सवार को आते हुए जैनब ने देखा तो एक फिक्रा तो कहा था, ए सवार रुक जा, तू क्या समझता है मेरा अब्बास चला गया तो जैनब अकेली हो गई, मेरा अली अकबर मर गया शहीद हो गया तो जैनब कमजोर हो गई, मैं अली की बेटी हूँ मेरे सीने में अली का दिल है। अरे सवार ने निकाब उल्टी, ए मेरी बच्ची जैनब तुमने ना पहचाना, मैं तेरा बाबा अली हूँ, मुझे नहीं मालूम अली कब आए और कब गए। लेकिन उसी करबला में जब 11 मुहर्रम आई, जालिम नाके लेकर आगे बढ़ा, जैनब ने कहा जालिम पीछे हट जा, हम नामों से पैगंबर हैं, हम खुद सवार होंगे। अजादारो बस एक ही जुमला सुने, 11 मुहर्रम को उमर साद मलून ने अपने लाशाए नजिस को तो दफन करने का हुक्म दिया, लेकिन पुश्त रसूल के सवार का लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। शहीदों के लाशे पड़े हैं, असीरों के लिए नाके आसिर हुए अहले हरम के लिए, और एक मर्तबा मकातिल के मौते भर गोशों में है कि जैनब आगे बढ़ी आवाज दी, आओ रुबाब जैनब तुम्हें सवार करे, आओ मादर अली अकबर जैनब तुम्हें सवार करे, आओ उम्मे फरवा मादर कासिम जैनब तुम्हें सवार करे। अरे एक एक बीवी को आज जैनब सवार कर रही है, ये 11 मुहर्रम है, ये करबला का मैदान है, यहाँ तक के माँ की बूढ़ी कनीज फिज़ा को आवाज़ दी, आओ आओ फिज़ा जैनब तुम्हें भी सवार करेगी। लेकिन जब जैनब की सवारी की बारी आई तो मेरा दिल ये कहता है, कभी मुख्तल मख्तल का रुक करके आवाज़ दी, ए अली अकबर ए कासिम ओन मोहम्मद, जब जवाब ना मिला तो फुरात का रुक करके आवाज़ दी, ए भैया अब्बास, अरे तुम्हारी जैनब जब मदीने से चली थी तो किस शान से सवार किया था, आज जैनब को कोई सवार करने वाला नहीं। अरे जालिमों ने जुल्म ये ढाया, किसी तरीके से शहजादी सवार हुई, लेकिन जालिमों ने जुल्म पर जुल्म ये ढाया कि अहले हरम को असीर करने के बाद लाशों के बीच में से गुजारा, सैयद सज्जाद की निगाह बाप के लाशे पर पड़ गई, बहन की निगाह भाई के लाशे पर पड़ी, मैंने मजलिस खत्म की, आप बहुत रोएंगे, अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने जब बाबा के लाशे को देखा तो फूफी के चेहरे को देखकर कहा, ए फूफी अम्मा क्या दुनिया में ऐसा भी होता है कि बेटा मौजूद हो और बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हो। अरे वो फूफी क्या जवाब देती, जिसकी निगाहों के सामने इधर भाई का लाशा, इधर बेटे ओन मोहम्मद के लाशे, उधर 18 साल अली अकबर जिसे नाजो से पाला उसका लाशा, उधर फुरात पर भाई अब्बास का लाशा। हाँ हाँ बस जैनब से रहा ना
गया तो एक मर्तबा मदीने का रुख किया, आवाज दी अस्सलाम अलैका या जद्दा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्ले अलैका मलाइकति समाए वल अर्ज, ए नाना रसूल आप पर दुखियारी नवासी का सलाम हो, ए नाना आपके लाशे पर तो जमीन और आसमान के फरिश्तों ने दरूद और नमाज पढ़ी, लेकिन जरा करबला में आइए आपकी पुश्त का सवार हुसैन उसका लाशा बेगोरो कफन पड़ा है, नाना बेटा मौजूद है मगर हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार, तो बहन मौजूद है मगर रसन बस्ता चादरे छिन चुकी है और लाशें पड़ी। سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ
या अल्लाह।